हेलो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो सेफ्टी गाइज़ अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पे लेटेस्ट सेफ्टी जॉब स्टडी मटेरियल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें आइए हम देखते हैं कॉमन क्वेश्चन आस्क इन इंटरव्यू ऑफ सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे यहाँ एट तो वर्क रिलेटेड टॉपिक पे बात डिस्कस करेंगे जो किसी भी वर्क साइट में यह कॉमन रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हार्ट वर्क एक्टिविटीज़ थर्ड स्का्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन एंड फोर्थ एक्जिबेशन रिलेटेड क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है कंप्लीट गैस सिलेंडर कंप्रेस गैस सिलेंडर के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन रेज होते हैं और सिक्स है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन इरेज होते हैं और एट है लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन रेज होते हैं इंटरव्यू में इस पूरे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉानसिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर रिस्पांसिबिलिटीज़ रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन रेज होते हैं इंटरव्यू में किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्वेश्चन ही रेज होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बाद में कोई दूसरा वर्क रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए हम एक एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन रेज होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिल्टीज क्या होता है सेकेंड है वाट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ हजार आइडेंटिफिकेशन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का क्या परपज़ होता है एंड थर्ड क्वेश्चन है वाट इज़ द आई डी एल एस आई डी एल एस क्या होता है वाट इज़ वाक थ्रू वॉक थ्रू क्या होता है एंड वाट विल यू चेक इन वाक थ्रू वॉक थ्रू में क्या चेक करते हैं वाट इज़ कलर कोडिंग कलर कोडिंग क्या होता है एंड सेवंथ नंबर क्वेश्चन है सपोज यू गो ऑन साइट एंड क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ अबाउट टू स्टार्ट और इन प्रोसेस सो व्हाट विल यू चेक देयर आप वहाँ पर क्या चेक करेंगे एट क्वेश्चन है इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी ऑन साइट वट विल वी और वट विल यू डू अगर आपके वर्क साइट पर कुछ इमरजेंसी हो जाता है तब तो आपका एक्शन क्या होगा और जब आप क्या करेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। Second point question रहे हैं सेकेंड पॉइंट में हार्ट वर्क एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ हार्ट वर्क वट आर द हार्ट वर्क रिक्वायरमेंट हु इज़ फायर वाचर हाउ मच टाइम फायर वाचर शुड रिमेन एट साइट आफ्टर फिनिशिंग द हार्ट वर्क एक्टिविटीज़ हार्ट वर्क एक्टिविटीज़ के ख़त्म होने के बाद कितना देर तक फायर वाचर वहाँ पर वेट करता है देन वाट शुड द मैग्जिम डिस्टेंस ऑफ फायर एक्सटिंगर फ्राम हार्ट वर्क एक्टिविटीज़ वर्क एक्टिविटीज़ से कितना दूर फायर एक्सटिंग प्लेस्ड करते हैं लगाते हैं एंड फाइ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर वाचर फायर वाचर का पाँच रिस्पांसिबिलटीज़ क्या होता है नेक्स्ट है इस्काप फोल्डिंग वाट इज़ दोल्डिंग टाइप ऑफ स्का फोल्डिंग पार्ट्स ऑफ स्का फोल्डिंग वाट आर दजर्ड्स ऑफ इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग में क्या क्या हज़र्ड्स होते हैं दैन हु कैन एरेक्ट दोल्डिंग इसका फोल्डिंग कौन एरेक्ट करते हैं विच परमिट इज रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर इसका फोल्डिंग इरेक्शन इसका फोल्डिंग इरेक्शन करते समय कौन सा परमिट रिक्वायरमेंट होता है एंड हु कैन इंस्पेक्ट इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग को कौन इंस्पेक्ट करता है एट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ इसका फोल्डिंग टैग इसका फोल्डिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेड टैग रेड टैग का क्या यूज़ होता है इसका फोल्डिंग में व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ येलो टैग येलो टैग व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रीन टैग व्हाट इज़ द टोए बोर्ड टोए बोर्ड क्या होता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउ बिटवीन द प्लैंक एंड इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग और प्लैंक्स के बीच में क्या मैक्सिमम डिस्टेंस होता है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ लैडर प्लेस्ड ऑन इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग में लेटर लगाते हैं उसका एंगल क्या होना चाहिए देन लेडर शुड बी एक्सटेंड कितना मीटर यहाँ पे कुछ ब्लैंक फिलअप करना है मीटर एब लैंडिंग प्लेटफार्म व्हाट इज़ ब्रास्केट इसका फोल्डिंग एंड वेयर इट यूज़ ब्रास्केट इसका फोल्डिंग क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इसके बारे में ये लास्ट क्वेश्चन है अब हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस कन्फाइंड स्पेस क्या होता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट बिफोर एंट्री कन्फाइंड स्पेस कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है हु कैन कंडक्ट द गैस टेस्ट गैस टेस्ट कौन कंडक्ट करते हैं कौन गैस टेस्ट करते हैं कन्फाइंड स्पेस में हु कैन एंटर इन अ कन्फाइंड स्पेस कन्फाइंड स्पेस में कौन एंट्री करते हैं हाउ ऑफ्टन वी शुड डू गैस टेस्ट देन दैन सम्पल ऑफ़ हजारियस गैस इन कन्फाइंड स्पेस कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या गैस होते हैं उसका कुछ एग्ज़ाम्पल बताइए सम एग्ज़ाम्पल ऑफ फ्लेमेबल गैस फ्लेमेबल गैस का कुछ एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्फाइंड स्पेस कॉन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए देन आइन क्वेश्चन है व्हाट इज एल एंड व्हाट इज़ यू ई एल यू एल क्या होता है एल एल क्या होता है व्हाट इज़ ऑक्सीजन इन रिच एटमोस्फियर एटमोस्फियर में ऑक्सीजन कितना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अब हम बात करेंगे लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज लिफ्टिंग टाइप ऑफ क्रेन लिफ्टिंग व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ लिफ्टिंग एक्टिविटीज व्हाट इज़ लिफ्ट प्लान व्हाट इज़ इंजीनियरिंग लिफ्ट प्लान व्हाट इज़ लोड चार्ट सेवन क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्राम लोड चार्ट लोड चार्ट से कौन सा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है देन व्हाट इज़ द परसेंटेज अलाउड फॉर लिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द क्रेन क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से कितना परसेंटेज अलाउ होता है लिफ्टिंग वर्क के लिए व्हाट इज़ एस डब्ल्यू एल वाट इज एल एम आई वाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड वाइंड स्पीड फॉर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में वाइंड स्पीड कितना अलाउड होता है देन हु इज़ ऑथोराइज टू सिग्नल द क्रेन ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देने के लिए कौन सा पर्सन ऑथराइज होता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रीगर रीगर कौन होता है एंड टाइप ऑफ रीगर एंड लास्ट क्वेश्चन है वाट इज़ वाट आर द रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट क्रेन लिफ्टिंग क्रेन लिफ्टिंग इस्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है गाइज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेलाइकन को भी दबाएँ ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे गाइज़ हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट जरूर करें साथ ही साथ लाइक like बटन को दबाना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो